ओके सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में गाइस मैं आपसे कुछ कहने वाला हूं गाइस, किस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड जो गाइस ये जो कॉन्सेप्ट है हमारा काफी क्रिएटिव एंड ऑसम होने वाला है। सो गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज सर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नहीं होता चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, क्योंकि गाइस आप सभी के लिए ऐसे अमेजिंग कंटेंट आते रहते हैं मेरे चैनल पे। तो गाइस प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। एंड गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इसी वीडियो देखने जाकर डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अगर आप में से किसी भाई को अगर मेरा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मैं लिंक देता हूँ स्टॉक की, अगर वहाँ से आपको डाउनलोड करने में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो गाइस आप मेरे टेलीग्राम वाले चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि गाइस मैं वहाँ पे भी आपको लिंक दे दिया करूंगा या फिर फोटो डायरेक्ट वहाँ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस आज की इस नई वीडियो को हम बिना किसी रिकॉर्ड के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले करना है गाइस आप सभी को इस बैकग्राउंड का डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। एंड गाइस बाकी पीएनजीज के भी लिंक मिल जाएंगे आपको। तो गाइस अभी हम चलते हैं ऐड फोटो में, एंड यहाँ से गाइस अपने मॉडल को हम यहाँ से ऐड कर लेते हैं, ठीक है। एंड गाइस मॉडल को आपको ऐड कैसे करना वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। आप सभी गाइस मॉडल को पहले तो गाइस कुछ इस टाइप से इतना साइज रखना है, ठीक है। एंड गाइस अभी आपको यहाँ पे डन नहीं करना है, क्योंकि हमें भी यहाँ पे मॉडल का जो है डुप्लीकेट भी करना है। तो डुप्लीकेट करके उसका करना क्या है गाइस वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। पहले गाइस आपको मॉडल को कुछ इस टाइप से सेट कर लेना है, देन गाइस आपको यहाँ पर इरेज़र टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर मॉडल को डुप्लीकेट कर लेना है एंड सेम साइज में रख देना है। एंड गाइस आपको फ्लिप रोटेट पर क्लिक करना है, एंड गाइस सबसे लास्ट वाला ऑप्शन लेना है, एंड उसके बाद नीचे की तरफ आपको कुछ इस टाइप से लेना है, ठीक है। इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को कुछ इस टाइप से ऐसे रोटेट करना है, एंड गाइस फिंगर से जो फिंगर से मैच कर देनी है, एंड गाइस जो पैर है गाइस उसको पैर से पैर मैच कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है, थोड़ा सा गैप छोड़ देना दोनों के बीच में। एंड उसके बाद आप सभी को फिर करना ओपेसिटी यहाँ पे गाइस कम कर लेना है, ठीक है। ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना, क्योंकि यहाँ से हम 3D लुक देना चाह रहे हैं इस पर अपनी फोटो में। बाकी गाइस इरेज़र टूल में जाकर आप सभी फिर करना नीचे का जो सबसे एंड का जो एरिया ना थोड़ा थोड़ा इरेज़ कर देना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा इरेज़ कर देना है। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको डन करना है। एंड गाइस अभी मतलब प्रॉपर डन नहीं करना आप सभी को, अभी यहाँ पे शेडो बनानी, तो उसके लिए जाएंगे हम ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को ब्लैक कलर की शीट लेनी है। एंड गाइस इसको लेने के बाद आप सभी फिर करना, आपको यहाँ पे फुल स्क्रीन करना कुछ इस टाइप से। एंड गाइस इरेज़र टूल में जाना है, इसको यहाँ पे इन्वर्ट करना है, ब्रश को लेना है गाइस यहाँ पे थोड़ा सा साइज छोटा कर देना है। एंड गाइस इतना कर देने के बाद आपको अपनी फोटो को जूम करना है, एंड गाइस अपने पैरों के नीचे आपको यहाँ पे शेडो क्रिएट करनी है। एंड गाइस शेडो क्रिएट होने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है गाइस आप सभी को ये जो है आपके फिंगर्स के ऊपर आ रही, तो अभी क्या करना है आप सभी को गाइस इरेज़र टूल के ऊपर जो ऑप्शन दिख रहा है गाइस आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड गाइस मूव डाउन का ऑप्शन है गाइस, इसको आपको यहाँ पे 2-3 बारी मूव डाउन करना है एंड एकदम एंड में पहुंचा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आप सभी को जो इसकी ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेनी है। एंड गाइस आप देख सकते हो जो हमारी शेडो एकदम रियलिस्टिक तरीके से एकदम अच्छी तरीके से एकदम बन चुकी है यहाँ पे। अब क्या करना है गाइस आपको सिंपली यहाँ पे डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करके डन कर देना है। एंड गाइस उसके बाद आप सभी को जाना है ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेना है लाइट का पीएनजी। ये लाइट का पीएनजी लेने के बाद आप सभी को फिर क्या करना है आप सभी को यहाँ से जाना ब्लेंडिंग मोड में, एंड यहाँ से इसका कर देना स्क्रीन। इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना आप सभी फोटो को जूम करना है। एंड गाइस आप चाहो तो इस साइड भी इस पीएनजी को लगा सकते हो, अदरवाइज आप लाइट वाला जो ऑप्शन जो ऊपर जो बैकग्राउंड में लाइट है अब उसके ऊपर भी लगा सकते हो, ठीक है। तो जहाँ आपको बेटर लगे वहाँ लगा लेना, मैंने गाइस इसको अपने जो लाइट्स हैं उनके ऊपर लगाया, ठीक है। तो एंड उसके बाद इसकी मैं थोड़ी सी साइज भी बड़ा रखूंगा यहाँ पे। एंड इतना कर देने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है गाइस आपको सिंपली डन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड डन कर देना है। देन गाइस आपको जाना अगेन ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से आप सभी को लेने के पार्टिकल का पीएनजी। पार्टिकल पीएनजी लेने के बाद गाइस आप सभी को फिर क्या करना है आपको पहले तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करके स्क्रीन कर देना है। एंड उसके बाद गाइस आपको उसका साइज कुछ इस टाइप से बड़ा करके एंड कुछ इस टाइप से यहाँ पे ऐड कर देना है, ठीक है। तो इतना कर देने के बाद गाइस आपको फिर क्या करना है यहाँ पे डन वाला ऑप्शन पर क्लिक करके इसको डन कर देना है। एंड गाइस इस फोटो को यहाँ पे आपको सेव कर लेना है। एंड इसमें कलर करनी कलर हमें करनी कलर करेक्शन। एंड गाइस कलर करेक्शन के बाद जो आपका फोटो का रिजल्ट दिखने वाला है गाइस वो आप देख के चौंक जाओगे। तो अभी हम इसको ओपन कर लिया हमने लाइट रूम ऐप में। आपसे भी क्या करना जाना है इस लाइट वाला ऑप्शन में, इसका जो कॉन्ट्रास्ट है आपको उसको बढ़ाना है। हाईलाइट है जो गाइस इसको थोड़ा सा आपको माइनस कर देना है। एंड जो गाइस शेडो है इसको थोड़ा सा बढ़ा देना है। एंड जो गाइस व्हाइट है इसको हल्का सा यहाँ पे आपको इसको थोड़ा कम कर लेना है। एंड जो ब्लैक है गाइस इसको थोड़ा बढ़ा देना है। फिर गाइस आपको जाना है ऐसे लाइट वाला ऑप्शन में, आपको इसका थोड़ा सा वाइब्रेशन बढ़ा देना है। एंड जो टेम्परेचर है उसको कम कर देना है ताकि ब्लू टोन आ जाए। एंड उसके बाद जाना है आप सबको कलर मिक्स में ऑरेंज कलर को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। इसका सैचुरेशन आप सबको थोड़ा माइनस कर देना है एंड ल्यूमिनस थोड़ा बढ़ा देना है। फिर गाइस आप सबको क्या करना है आप सबको यहाँ से येलो कलर लेना है। अगर इसमें येलो कलर नहीं है तो आपको उसका सैचुरेशन माइनस करना है। एंड गाइस जाना ग्रीन कलर में, इसका भी सैचुरेशन आपको माइनस करना है क्योंकि ग्रीन कलर है नहीं। फिर जाना आपको डार्क ब्लू में, इसका सैचुरेशन आप चाहो तो बढ़ा सकते हो एंड कम भी कर सकते हो। अदरवाइज अगर आपको ह्यू जो है गाइस आप उसका कोई भी टोन रख सकते हो गाइस, यहाँ पर डार्क ब्लू रख सकते हो एंड स्काई ब्लू रख सकते हो। मेरे को डार्क ब्लू अच्छा लगता है, मैं डार्क ब्लू रख रहा हूँ, आप स्काई ब्लू चाहो तो वो भी रख सकते हो। फिर उसके बाद आप सबको क्या करना है कलर के नीचे वाला टूल में जाना है, यहाँ पर फोटो क्लियरिटी जो है उसको बढ़ा देना है। एंड जो गाइस फोटो में विगनेट है वो अपने अकॉर्डिंग डाल देना जितना चाहो आप, ठीक है, क्योंकि किसी को चाहिए होता है किसी को नहीं चाहिए होता है, तो आप अपनी मर्जी से डाल लेना। देन गाइस आपको ग्रेन अमाउंट को बढ़ा देना है, जाना नीचे वाले टूल में।
फोटो के जो शार्पनेस से गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, एंड का नीचे मिलेगा आपको कलर नोटिफिकेशन, आपको नोटिफिकेशन को बढ़ा के फिर उसके बाद कलर नोटिफिकेशन मिलेगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड गाइस फाइनली जो फोटो का रिजल्ट आएगा आप देख सकते हो। एंड गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। मैं मिलता हूं सबसे किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।